श्यांग बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता, हम एक सीरीज को बहुत टाइम से 3-4 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 3 स्टॉक्स बताता हूँ एंड हम लोग इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करते हैं। सो अब हमने एक नई चीज और स्टार्ट करी है, जिसपे क्रिप्टो के ऊपर एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी। कौन से कॉइंस पे ब्रेकआउट आ रहा है, आप कैसे बाय कर सकते हैं, कौन से आप लोगों को बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं, बिकॉज मार्केट अभी स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल हो रही है, थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है और शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गिरावट आ सकती है। सो क्या क्रिप्टो मेरे हिसाब से एक सही बेट है, जिसपे आप एक छोटी सी अपनी साइड इनकम अर्न कर सकते हैं रादर देन ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट तो हमारा डेफिनेटली चलेगा, बट उसके अलावा भी अगर आपको साइड इनकम अर्न करनी है तो क्रिप्टो एक बहुत बढ़िया तरीका है जिसपे आप बाय कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें ज्यादा टाइम होल्ड करना है, कुछ हमें पर्टिकुलर रिटर्न मिले हम डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, क्रिप्टो अगर आपने अभी तक बाय नहीं करा और सबसे पहला क्रिप्टो आप हमारे थ्रू बाय करने वाले हैं, जो हमारी वीडियो को देखकर बाय करना चाहते हैं, तो आप लोग वॉल्ट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब वॉल्ट के लिए मैंने एक सेपरेट पूरी वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब पे ही, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक डाल रखा है, उसको चेक कर सकते हो कैसे ओपन करवाना है, कैसे आप अपना INR डिपॉजिट करा सकते हो और जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया उनको कैसे बाय कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू जाके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, वहां पर कोड भी आप हमारा नीचे डाल सकते हो, तो सारी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी चीज देखिए, क्रिप्टो मार्केट भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, वॉलेटिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो कब एग्जिट करना चाहिए, कौन सा राइट टाइम है एग्जिट करने के लिए, तो उसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट्स देना स्टार्ट कर दूंगा। सो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिख जाएगा, सो प्लीज गो एंड फॉलो अस ऑन देयर। वहां पर आपको इक्विटी, स्टॉक मार्केट के भी अपडेट्स मिलेंगे, प्लस क्रिप्टो के भी अपडेट्स मिलेंगे और आने वाले टाइम पे हम लोग फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट के भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोज आने वाले टाइम पे बनाते रहूं, हर दिन एक एक क्रिप्टो के ऊपर आप लोगों को बताते रहूं, सो प्लीज डू लेट मी नो और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और देखते हैं आप लोग अपना सबसे पहला क्रिप्टो बाय करें और आई होप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आप लोगों के लिए निकल के जाए। तो गाइस, हमारा सबसे पहला क्रिप्टो है BNB USDT, बाइनेंस कॉइन आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड इसके अगर हम लोग एनालिसिस करें तो सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं एक मेजर रेजिस्टेंस, इट्स अ लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं न्यू लाइफ टाइम हाई यहाँ क्रिएट हुआ था, उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आया था एंड एग्जैक्टली अभी रिसेंटली उसी को टेस्ट करके अब दोबारा नीचे आया और नीचे से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग नीचे से रिवर्सल देखें तो आप देख सकते हैं एट दिस पॉइंट हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सी दिस, यहाँ पर इसने कप एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल और लेवल का रीटेस्ट करने के बाद एक बहुत बढ़िया अपमूव दी, अपमूव देने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया एंड अगेन इट स्टार्टेड टू मूव बैक अप अगेन। अगर ये लेवल निकल जाता 604 रुपीज का तो डेफिनेट $604 का तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपमूव ये दे सकता है, ठीक है, एंड हम लोग 650-680 तक की भी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन अर्ली टाइम फ्रेम एंड अर्ली टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को और इजीली समझा सकता हूँ इसके अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले एक छोटा सा हर्डल है जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक फेस कर रहा है, दैट हर्डल इज दिस, ये एक हर्डल है जो कि अभी स्टॉक फेस कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सबसे पहले सपोर्ट लिया था आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ हर्डल एंड अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ टाइम पहले इसने इसको टेस्ट करा है और दोबारा नीचे आया है, बट यहाँ पर एक रिकवरी दोबारा देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक ने एक पैटर्न क्रिएट करा है जिसका एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट देखने को मिला है, आप यहां देख सकते हैं, सो लेट मी शो यू, ये देख सकते हैं इसने एक बहुत ब्यूटीफुल कप एंड सॉरी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया एक इंपल्स मूव के साथ एंड अब ऊपर जा रहा है, छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं $650 से $680 का जो बहुत ईजिली देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो का नाम है बाइनेंस कॉइन एंड अब बात करते हैं अपने दूसरे क्रिप्टो की। सो हमारा दूसरा क्रिप्टो है कर्व टेदर, CRV आप देख सकते हैं इसका सिंबल है एंड USDT, तो इस पर्टिकुलर क्रिप्टो पे भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट अभी रिसेंटली देखने को मिला है एंड जो आज ये 10% बढ़ा हुआ है वो पूरी मूवमेंट मैंने कैप्चर करी हुई है, अभी भी स्टिल होल्ड है मेरे पास, लेट मी शो यू कि इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रिप्टो ने फेस करे, इस कॉइन ने फेस करे थे, फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अभी तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। जब से इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था हम देखते थे उसके ऊपर जाता था, विक्स बनती थी, शेडोज बनती थी और उसके बाद दोबारा नीचे आ जाता था,
फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकडाउन और इसने यहाँ पर रीटेस्ट करा अपने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जो पहले था वो उसके लिए सपोर्ट बना, रीटेस्ट करा और रिवर्सल करा। अब यहाँ पर इस पर एक पैटर्न डेवलप हुआ है, लेट मी शो यू अबाउट द पैटर्न एज वेल, सी दिस, ये एक पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है एंड इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अगर मैं अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो मेनली टारगेट निकल के आ रहा है दैट शुड बी अराउंड $7। सो अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है $4.680 और मुझे लगता है $7 तक इजिली जा सकता है अगर इसका फ्लैग एंड पोल पैटर्न सक्सेसफुल निकलता है। अगर ये 4.805 के ऊपर अगर ये स्टेबल हो जाता है, मतलब अपने प्रीवियस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है गाइस, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकता है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो मेरे हिसाब से परसेंटेज वाइज ये 50% तक का आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न दे सकता है। तो इस क्रिप्टो को, इस कॉइन को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। बहुत ब्रेकआउट और भी कॉइन्स के अंदर आ रहे हैं जो मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो याद रखना इस पे कब एग्जिट लेना है। एंट्री मैंने आपको बता दी कब एग्जिट लेना है टारगेट के आसपास, तो सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। इसके अलावा अगर आप लोग वॉल्ट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, हमारे रेफर कोड के थ्रू भी आप लोग अपना कोड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है कैसे आपको डिपॉजिट करना है, कैसा टर्मिनल है, तो वो वीडियो का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, आप उसके थ्रू सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सबसे पहले अपना आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी और क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस भी बहुत जल्द मैं और लेकर आने वाला हूँ और ट्राई करेंगे हर दिन ब्रेकआउट क्रिप्टोज आपके साथ शेयर करेगा।